नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी इजी में। आज हम बात करेंगे पंजाब में स्थित जालंधर शहर के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पंजाब में स्थित जालंधर समृद्ध इतिहास वाला एक प्राचीन शहर है। यह एक दानव राजा जालंधर के नाम पर है, जिसका पुराणों और महाभारत में उल्लेख किया गया है। हिंदी में जालंधर का मतलब होता है पानी के अंदर निहित एक क्षेत्र, और लोक कथाओं के अनुसार शहर की भौगोलिक स्थिति से इसका नाम उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह ब्यास और सतलज दो नदियों के बीच में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद 1953 तक जब चंडीगढ़ ने यह दर्जा हासिल कर लिया, तब तक यह पंजाब की राजधानी हुआ करता था। पर्यटकों के आकर्षण की संख्या के साथ साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा यात्रियों के बीच जालंधर पर्यटन को लोकप्रिय बनाता है। जालंधर शहर में किलों, मंदिरों और म्यूजियम सहित पर्यटकों के कई आकर्षण हैं। जालंधर पर्यटन की पथ प्रदर्शक पुस्तिका में शिव मंदिर, तुलसी मंदिर, देवी तालाब मंदिर, सेंट मैरी कैथेड्रल, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, भगत सिंह संग्रहालय और वंडरलैंड थीम पार्क प्रमुख आकर्षण है। कई गुरुद्वारे अपनी कला और परंपरा को दर्शाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। शहर में कई मॉल और शॉपिंग सेंटर है, और इसलिए यह खरीदारों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। जालंधर देश के प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बसों का एक व्यापक नेटवर्क भी इसे उत्तरी राज्यों में ज़्यादातर शहरों से जोड़ता है। जालंधर के निकटतम हवाई अड्डा अमृतसर का राजा सांसी हवाई अड्डा है। यह विभिन्न भारतीय शहरों से उड़ान की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। जालंधर की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें सर्दियाँ बेहद ठंडी होती है और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च के महीने जालंधर पर्यटन के लिए आदर्श माने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।